इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह के लाख लाख करम में शुक्र है, और आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका सपोर्ट है, आप सबकी मोहब्बत है मेरे चैनल से जुड़ी हुई। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। आज मैं देखिए सहरी के लिए या फिर इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा टेस्टी झटपट अच्छा जल्दी बनने वाली रेसिपी बता रही हूँ। जैसे आलू गोश्त की रेसिपी मैं टाइटल में यही लिखूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनी थी ये रेसिपी, हमेशा ही बनते रहती, बनाते ही रहती मैं। और क्या है, सहरी में भी बनाए तो आप लोग बहुत आधे घंटे में बन जाती है, आधे घंटे के अंदर ही बन जाती है। तो आप लोग भी बनाइए, इंशाल्लाह ताला बनाइए, खाइए, खिलाइए, दुआ में याद रखिए। चलिए चलेंगे, आप लोग भी चलिए मेरे साथ किचन में। बातें करते करते मैं कुकिंग करती हूँ आप लोगों को बताते बताते, ठीक है ना। आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आप सबके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करेंगे आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त की रेसिपी बना रही मैं आपको पहली फर्स्ट क्लिप में बोली ना सलाम दुआ के साथ। देखिए यहाँ पर गैस फुल ऑन रखिए और ऑयल आप अपने हिसाब से लेंगे। मैं छोटी कप से एक कप ली मैं, जैसा कि मैं आपको बताती ना, ये देखिए मैं आपको बोल रही हूँ मसाले और तरीका सेम है, सिर्फ क्या है मालूम, फैमिली मेंबर के हिसाब से कम ज़्यादा आप लोग गोश्त में, प्याज में, आलू में कर सकते हैं, हर चीज़ में। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया, यहाँ हम जैसा कि मैं बताती हूँ आप लोगों को कि तेल पूरा चर-चर करके बाहर उछलता और हाथों पर भी गिरता और पूरा किचन में चूल्हा भी ख़राब होता। तो उसके लिए आप अंडा भी तले तो थोड़ा सा ये गेहूँ का आटा डालिए इसमें। इसे ये डालने से क्या होता, जो पानी रहता ना इसमें, देखिए अभी आलू है ये, मैं कट करके ऐसा पानी में, नमक के पानी में डाल के रखी। अगर नमक के पानी में नहीं डाले तो आलू काले हो जाते, देखिए उछला नहीं, देखिए तो क्या दे, देखिए नहीं उछला, नहीं तो ऐसा डालते क्या है मालूम, पूरा पानी से चर 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 करके पूरा तेल हमारे ऊपर आया था और किचन के स्टोव पे चूल्हे पे भी गिर जाता। अब क्या करेंगे, पहले ये जैसा कि हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे इसको, हल्के ब्राउन हो जैसा, ठीक है ना। देखिए आलू थोड़े से फ्राई हो गए, अभी हम इसी में रखेंगे और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अब यहाँ देखिए आप एक चम्मच से एक चम्मच नमक ले, 1.5 चम्मच ले रही मैं, आप लोग डिश आउट करने से पहले चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर और जीरा आ गया, ये मिर्च है देखिए एक चम्मच लेंगे, ठीक है ना। ये चम्मच है छोटा, या तो फिर पीला चम्मच आता ना बड़ा, या तो फिर चाय के चमचे से नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से तेल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये डाल दिए हम, इसके बाद देखिए ये 1.5 किलो प्याज है, 250 ग्राम है, ऐसा स्लाइसों में कट कर लेंगे। ये 2 से 4 आदमी के लिए मैं ये सालन बना रही मैं। बिस्मिल्लाह, चलिए गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। अब तेज करके इसको अच्छी तरह हम भुनिए, और ये 3 टमाटे है देखिए, इसको मैं पीस के रख लिए चॉपर में पीसी, ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना। देखिए बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, और शॉर्टकट है और टेस्टी है, टेस्टी बनती इस तरीके से बनाइए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये बकरे का मटन है, ये आधा किलो है शायद, सहरी को भी होना, इफ्तार को भी होना है ना,
तो बगैर हड्डी का है, आप लगाएं कितना लेते हैं आपकी मर्जी, लेगी आप। मटर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ देखिए हरा धनिया पुदीना है, ये भी डाल देंगे। चलिए अब हम इसको अच्छा भुनेंगे, 5 मिनट तक भुनना। प्याज की कच्ची स्मेल, मसालों की कच्ची स्मेल और मटन की जो स्मेल रहती है ना, चले जाना। 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनिए, ये प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाना, ठीक है ना। बस ऐसे ही रख के इसको भून लेंगे हम। ये देखिए 5 से 7 मिनट तक मैं अच्छी तरह भुनी प्याज। देखिए इसी में ही आधी गल गई प्याज भुनने में, देखिए आप अच्छी बहुत ज़्यादा भुनेगी, अच्छी तरह अच्छा सेपरेट हो गया ऑयल ग्रेवी से। अब हम क्या करेंगे, ये मटन कलाना है ना, प्याज मटन आलू, तो ये एक मग पानी डाल दिए इसमें, इसमें देखिए। अब हम क्या करेंगे इसको, बस बराबर करके 1 सीटी हाई फ्लेम पे होने देंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे, बिल्कुल लो करके कितने 15 मिनट रखिए 1 सीटी हाई फ्लेम पे। फिर 15 मिनट के लिए लो पे रख देंगे, बिल्कुल लो पे दम पे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा टेस्टी होता दम पे बनाए तो, जो भी सालन बनाते ना हम, इंशाल्लाह ताला फिर 15 मिनट में मिलेंगे अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह। इसमें क्या है, मटन भी गल जाता और आलू भी गल जाते, प्याज भी गल जाता। तो मैं कितना जल्दी शॉर्टकट में बताइए देखे ना, और इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा होता, टेस्टी होता, रोटी चावल के साथ खा सकते। चलिए ये 15 से 20 मिनट रखी थी मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मटन अच्छी तरह गल गया। मैं आपको बताती हूँ, गरम है बीचे प्लेट निकाली, देखिए ऐसा उंगली लगाए ना तो ऐसा टच करे तो मटन टूटना, ऐसा गलाना, ठीक है ना। अभी हम ये आलू निकाल लेंगे, आलू निकाल के जो प्याज की लड़िया है ना वो भुनने का है मेरे को, मैं आप लोगों को बताती ना। हम ये आलू में सॉस डाल दी इसमें कि जल्दी पक जाना सालन में, ऐसा आलू गला लेके क्या करना, निकाल लेना, निकाल लेके फिर ये जो प्याज रहती ना इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। आलू तो मैं कमी डालती मालूम है ना आप लोग, हमारे घर में आलू नहीं खाते। देखिए आलू मैं निकाल दी, अभी प्याज ऑन करेंगे, अब इसको मैं अच्छी तरह भूनती हूँ, 1-5 मिनट भुनेंगे। देखिए ये प्याज के जो लच्छे दिख रहे ना, देखिए प्याज के लच्छे, ये नहीं दिखना कौन से भी सालन में, प्याज नहीं दिखना। अब इसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मटन अच्छी तरह गल गया, आहिस्ता आहिस्ता इसको आप चम्मच चलाते जाइए प्याज पे, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह प्याज को भून ली, हल्के हल्के हाथों से ऐसा चम्मच चलाते रहे तो देखिए प्याज अच्छी तरह मेल्ट हो गई, इसमें गल गई, लच्छे नहीं है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, ये आलू डाल देंगे इसमें, बिस्मिल्लाह आलू डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्टी हुआ और आधे घंटे में रेसिपी बन गई। ये 3 हरी मिर्च है, ये डाल देंगे दम पे, और थोड़ा हरा धनिया पुदीना डालेंगे, और हाँ अगर लेमन डालना चाह रहे हैं तो लेमन डालिए आप, नींबू, मैं लेमन नहीं डालती ना। तो देखिए थोड़ा सा मैं लेमन सॉल्ट है, थोड़ा सा बिल्कुल, सिर्फ ज़बान को खट्टा लगना है, क्योंकि हमारे पास क्या है खट्टा खाने के बहुत शौकीन है, यहाँ पर खट्टे के बगैर एक दिन नहीं गुजरता, तो इसीलिए मैं थोड़ा खट्टा डाल देती हूँ इसमें, आप लोगों की मर्जी, खट्टा डालते तो डालिए नहीं तो मत डालिए। थोड़ा दम पे रखेंगे, ठीक है ना, डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए भाई 2 से 4 मिनट दम पे रखी मैं, और अब मैं टी शर्ट आप ही के सामने करके बता। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रेवी बनी, आप लोग भी सहरी में भी बना सकते हैं, या तो इफ्तार में खाते ना रोज़ा खोले बाद। अब रोज़ रोज़ तो बिरयानी खोरमे हलीम वो तो नहीं खा सकते ना, ये तो ज़रूरी है रोज़ हम बनाते सब ये बनाना, रोटी के भी साथ खा सकते हम ये जो
रेसिपी बनाई मैं, चावल के साथ भी आप लोग खा सकते आराम से। और मिर्ची मसाले भी हम लोग कम खाते हमेशा रमज़ान में, क्योंकि एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, रोज़े बच्चों को तकलीफ़ हो जाती है। फिर तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिश आउट अच्छी तरह कर ली, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे हम इसमें, बस ऐसा है ना, देखिए माशाल्लाह से गैस ऑफ कर देती, एक मिनट। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्टी झटपट बनने वाला आलू गोश्त की रेसिपी रेडी है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, दुआ में याद रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराइए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, ठीक है ना। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।